अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज सुबह ही सुबह हम नाश्ते में खा रहे हैं चपली कबाब और पराठे। तो जो है ना, ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने नाश्ते में चपली कबाब खाए हैं। तो बस वो करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अपनी स्किन केयर की जाए। तो अपनी जो है स्किन केयर की मैंने, और आज खाने में बना था यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव जो है बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था, बीफ यखनी पुलाव था ये, तो अच्छा तो होना ही था। और इसकी रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आई बटन पे क्लिक ज़रूर करें इसकी रेसिपी के लिए। और इसके बाद तो कोल्ड ड्रिंक बनती ही थी। और इस टीवी के साथ हो चुका है एक और मसला, तो इसके डिस्प्ले पर एक इस तरह सी लाइन आ रही है जो वाज़ह तौर पर नज़र आती है। करीब से देखने पर तो ज़्यादा फील होता है और जब दूर से देखें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। फिर इसमें एक ये फॉल्ट भी आ चुका था, तो इसकी वारंटी भी थी, तो हमें जाना था इसे देने के लिए इसके शोरूम। और ये स्लैम के बाद डिस्प्ले में ये भी मसला था कि अक्सर डिस्प्ले जो है बिल्कुल ही डार्क हो जाता है इस तरह से ब्लैक, और ऑडियो उसकी सुनाई दे रही होती है और डिस्प्ले इसका फुल इस तरह से ब्लैक हो जाता है। तो खैर, हमने सोचा था हम तारीख को उठाएँगे ये टीवी, हम इसके शोरूम में दे देंगे और हम चले जाएँगे शॉपिंग करने। तो बहुत सारी हमें शॉपिंग भी करनी थी, तो हमारी रवानगी हुई ही और रस्ते में ही हमारी सवारी हो गई ख़राब। तो उतरते ही हमने अपनी सवारी जल्दी से बदली और एलसीडी ली और निकल पड़े तारिक रोड की तरफ। तो जाते जाते ही हमें 5:30 बज चुके थे और अभी भी जो है मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अचानक ही बिल्कुल ही काले बादल आ चुके थे, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा था, मगर फिर भी हम चले ही गए कि शायद बारिश ना ही हो, क्योंकि कराची में बारिश होना नामुमकिन ही है। और ये रहा मेरा इंस्टीट्यूट जहाँ से मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इंशाल्लाह कल से मेरी क्लासेस शुरू है, तो कल से मुझे इस इंस्टीट्यूट में भी आना है। और मौसम देखिए, अचानक ही यहाँ का ये मौसम चेंज हो गया और इस तरह से अचानक से काले बादल आ गए थे। तो बस तारिक रोड हम पहुंच ही गए थे और पहुंच के देखा तो TCL का ये शोरूम हो चुका था बंद। तो हमें वापस ही घर आना पड़ा टीवी समेत। हमने कुछ भी नहीं की, शॉपिंग भी नहीं की, क्योंकि टीवी भी हमारे पास थी और उसे ले लेके तो घूम नहीं सकते थे। शॉपिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बस हम वापस आए, LCD को वापस अपनी जगह पर लगाया। और मैंने आने के साथ ही पहला काम किया, वो मैंने बनाई ली कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाई और साथ ही साथ मैंने अपने लिए खाना भी गर्म कर लिया, खाना भी खाया। भूख बहुत लग गई थी, इतना लंबा सफ़र किया तो भूख तो लगनी ही थी। कॉफ़ी मैंने खुद भी पी और सबको भी पिलाई। तो तारिक रोड का शॉपिंग का प्लान तो आज कैंसिल हो ही गया, कल भी हम नहीं जा सकते क्योंकि कल मुझे जाना है इंस्टीट्यूट। और कल जो है ना एक बहुत ही स्पेशल दिन भी है, वो आपको कल के व्लॉग में ही पता चलेगा। परसों होगा जुम्मे का दिन, जुम्मे वाले दिन भी नहीं जा सकते क्योंकि शायद हमें अंदेशा है कि शायद उस दिन तारिक रोड बंद हो, या अगर आधी शॉप्स भी बंद हुई तो हम जो है शॉपिंग सही से नहीं कर पाएंगे। तो बस जो है आज का प्लान तो हमारा कैंसिल हो गया, अब देखेंगे कि किस दिन जाना है। तो कॉफ़ी भी यहाँ बिल्कुल रेडी है, कॉफ़ी बनाने के बाद मैंने अपने भाई के लिए बना ली चाय। और रात में हमारे घर आया था पड़ोस से बेसन की कतलियाँ, मगर इनके साथ भी एक हादसा हो चुका है और ये जो है ना टूट चुकी है, बिल्कुल चूरा हो चुकी है, हलीम बन गई है बेसन की कतलियों की। तो शायद ये हैदराबादी या काठियावाड़ी डिश है। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Many dreams, yeah, in my life.